हाँ जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। अज मैं तुहाडे सामने फिर तो हाजिर हाँ नैक्सट वीडियो लैके। तो अज की जिहड़ी वीडियो रहेगी वह डिस्क्राइब इमेज पार्ट 4 हैगा। तो पहला भी मैं 3 वीडियोज़ बनाइया ने डिस्क्राइब इमेज से, जो मैं डिस्कस किया बेसिक इंट्रोडक्शन है इमेज की, तो एवेल्युएशन स्कोर किवें है, तो किहड़े पॉइंट्स आ तुसीं ध्यान रखना है जदों तुसीं इमेज नूं डिस्क्राइब करते हो, प्लस किहड़ियां डिफरेंट इमेजेस आउंदियां पेपर दे विच, वो मैं कवर अप किया। तो तुहानूं थोड़ा उहदी ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दी है कि तुसीं पेपर दे विच उहनां नूं किवें अटैम्प्ट करना है। तो अज आपां नैक्सट इमेज की गल करते हैं। तो जिहड़ी नैक्सट इमेज है वह फ्लोर प्लैन है। तो फ्लोर प्लैन के विच एवें ही होएगा, थानू टाइटल ऑफ द इमेज कदे भी गिवन नहीं हुंदा, सो तुसी अपने आप जज करना है कि इमेज का टाइटल की हो सकता है। थोड़े कोल किचन का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, थोड़े कोल ऑफिस का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्कूल का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। मीनस तुसी वो खुद डिसाइड करना है। जदों तुसी 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुहानू खुद समझ आ जाएगा कि ये किस चीज़ का फ्लोर प्लैन है। तो जो मैं मेरे सामने जो स्क्रीन के सामने इमेज है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो किसी हाउस का प्लैन है, क्योंकि ये सारे रूम्स ही कवर अप हो रहे हैं। सो तुसी उस दे अकॉर्डिंग इस चीज़ को प्रजेंट करना है, जिवें तुसी इहदा टाइटल दोगे कि दिस इमेज रिप्रजेंट द हाउस फ्लोर प्लैन, मीनस हाउस का फ्लोर प्लैन है सानू दस रहा है। तो उस तो बाद जो जो उहदे विच कवर अप किया होया उहने, जिवें इहदे विच उहने स्टार्ट किया है पॉर्च तो, तां मैं उहनू जिहड़ी एंट्री तो ही स्टार्ट करांगी, क्योंकि सब तो पहला अपना पॉर्च तो ही एंट्री आ रही है। द फर्स्ट पॉइंट इज पॉर्च, दैन नैक्सट पॉइंट इज द एंट्री। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज गैरेज एंड ऑन द राइट हैंड साइड इज द लिविंग रूम। एंड वैन वी गो फर्दर देर इज अ किचन, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द बाथरूम एंड ऑन द राइट हैंड साइड इज द डाइनिंग रूम। एंड एडजस्टिंग टू द लिविंग रूम इज द स्टडी रूम एंड आफ्टर किचन डेक। मीनस इदा तुसी उन्हों डिस्क्राइब करना, थानू लेफ्ट या तुसी राइट कह सकते हो, या तुसी एडजस्टेंट वर्ड्स यूज कर सकते हो, या बिसाइड यूज कर सकते हो। तो उस तो बाद आपां गल करते हैं एरिया दी, तुसी एरिया इहदे विच किवें दसना है। तो इहदे विच तुसी यही दसना है कि किहड़ी जिहड़ी प्लैन जिहड़ा फ्लोर हैगा वह सब तो ज़्यादा मैक्सीमम एरिया नूं कवर कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इत्थे मैक्सीमम एरिया आपां गैरेज नूं दे रहे हैं, तो मिनीमम एरिया स्टडी रूम नूं दे रहे हैं। सो यह थोड़ा मैक्सीमम तो मिनीमम हो गया। उस तो बाद कंक्लूड करना, तो ये कंकलूजन यही होएगा कि यह जी इमेज है सानू फ्लोर प्लैन की डिस्क्रिप्शन दे रही है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल रही है। ये साडा फ्लोर प्लैन का चार्ट सीगा। तो नैक्सट आप गल करते हैं मैप की। मैप के हमेशा थानू टाइटल गिवन हों, थानू अपने आप उत्थे टाइटल डिसाइड नहीं करना हों। तो टाइटल हमेशा अगर थानू लग रहा है कि काफ़ी वड्डा टाइटल हैगा, तो तुसी उसे अकॉर्डिंग उन्हें ब्रीफ करना है, क्योंकि टाइटल कदे भी वड्डा नहीं हो सकता। वैसे तो 2 या 3 वर्ड्स का ही आप किसी चीज़ को टाइटल दें, बट इतने अगर 4 या 5 वर्ड्स भी है तो आपने उसी दे अकॉर्डिंग ही टाइटल देना है। तो इस इमेज का जिहड़ा टाइटल रहेगा वह रहेगा टोटल इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड स्टैटिक्स। तो इंटरनेट यूजर्स की गल कर रहे हैं, सो टाइटल इमेज का सिर्फ इन्ना ही रहेगा। उस तो बाद टाइटल देन तो बाद तुसी देखना है कि अगे की करना है। तो ये तुसी कंट्रीज़ के नाम मैनशन कर सकते हो, क्योंकि कंट्रीज़ गिवन ने। तो कंट्रीज़ केड़ियां गिवन ने, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड दी एशिया। कंट्रीज़ के नाम दसते तो थोड़ा सैकेंड पॉइंट कंटेंट कवर हो गया। उस तो बाद मैक्सिमम तो मिनीमम इंटरनेट यूजर्स देखने ने। तो थानू इमेज के क्लीयर है कि या तो थोड़े यूजर्स की परसेंटेज गिवन है, या फिर बिलियन या मिलियन के वैल्यू है। सो जिदे भी थानू कंफर्टेबल लग रहा है तो तुम उसी दसना है। जिमें आप दस सकते हैं कि एशिया कवर्स की मैक्सिमम इंटरनेट यूजर्स दैट इज़ 53.1%, एंड ऑस्ट्रेलिया कवर्स की मिनीमम यूजर्स 0.6%। एवें अगर थानू बिलियन दसना है तो इतने 2.79 बिलियन हो जाएगा, तो 30.5 मिलियन हो जाएगा। बट बच्चे बिलियन तो मिलियन के कन्फ्यूज होंगे हैं, सो बैटर है कि तुम परसेंटेज देख के ही डिसाइड करो, क्योंकि कई तो इतने कन्फ्यूजन हो जानी कि एरिया तो ज़्यादा है बट इतने 2.79 ही है, बिलियन है। तो कई बिलियन मिलियन च नहीं पता कि वड्डा केड़ा है तो छोटा केड़ा है। सो तुम परसेंटेज ही कवर अप करनी है। उस तो बाद आप गल करते हैं कंकलूजन की। तो कंकलूजन के विच तुसी दस सकते हो 5.25 बिलियन पीपल यूज द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड, दैट्स द 60.62% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। एदा तुसी उहदा कंकलूजन कर सकते हो। सो
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਏਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਦੀ। ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਡ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੂਐਂਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਰਹੇਗਾ ਇਮੇਜ ਦਾ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਡਾਈਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਡਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਡਾਈਟ ਦੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੈਪਸੀਕਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਨ ਹੈ, ਕੈਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਲੀਫਲਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨੈਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਪਲ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਹੈ, ਗਰੇਪਸ ਹੈ, ਕੀਵੀ ਹੈ, ਮੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਗ ਹੈ, ਕਰਡ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੈਨ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਹੈ, ਪਟੈਟੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਮੇਜ ਗਿਵਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਅ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਫਾਲ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਫਰੋਮ 1976 ਟੂ 2020 ਸਿਲੈਕਟਡ ਈਅਰਸ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੈਕਟਡ ਈਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਲਿਪ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਲਮਸ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਕੋਲਮਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਕੋਲਮ ਰਹੇਗਾ ਈਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ 2020 ਟੂ 2010 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸੇ 2020 ਦੈਨ 2017 ਦੈਨ 2010। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕੋਲਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੋਲਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਲੈਕ ਔਰ ਦੀ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ 3 ਕੋਲਮਸ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਲਮ ਔਰ ਇਨ ਦੀ ਥਰਡ ਕੋਲਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਕੋਲਮ ਓਨਲੀ ਹੈਵ ਦੀ ਈਅਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਈਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਲਮ, ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਲਮ ਇਨ 2020 ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 43.9%, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਲੈਕ ਔਰ ਦੀ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਰੂਲਮੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ 12.5%। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਲਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 36.1% ਇਨ ਦੀ 2010, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਲੈਕ ਇਟ ਇਜ਼ 14.5%। ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਕੋਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਮੇਜ ਗਿਵਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਈਅਰਸ ਆਫ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੀ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ। Now next is the process diagram. This is the last image according to me.
मतलब पेपर्स आई डोंट नो कि थानू की आंदा है ते प्रोसेस डायग्राम दे विच भी टाइटल गिवन हुंदा वैसे तां बट इन केस टाइटल गिवन नहीं है तो तुसी खुद डिसाइड कर सकदे हो टाइटल नू अदरवाइज की हुंदा कि बिच प्रोसेस लिखी हुंदी है ते एक सर्कल या एक साइकिल बनया हुंदा ते ओदे विच ओहो पूरा तुहानू प्रोसेस दसदा है ते ओ साइकिल क्लॉकवाइज भी हो सकदा है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकदा है जिवें भी गिवन है तुसी उसे तरह उसनू डिफाइन करना है। तां मेरे अकॉर्डिंग जिहड़ी ए इमेज है ए फोटोसिंथेसिस हैगी है। सो तुसी ईजली इनू डिस्क्राइब कर सकते हो कि एक फोटोसिंथेसिस दा प्रोसेस है। अदरवाइज इमेज मतलब प्रोसेस हमेशा सिंपल ही हुंदी है, थानू ईजली पता लग जांदा है कि तुसी की इहदा टाइटल देना। इन केस जे थानू जमा ही नहीं कुछ पता लग रिहा तां उहदे विचों जिहड़ा भी साइकिल च कुछ भी गिवन है तुसी उहनू चक लो, बट यू हैव टू स्पीक, तुसी टाइटल जरूर देना है क्योंकि बिना टाइटल तो इमेज दे विच की हैगा उहदा कोई सिर पैर ही नहीं हैगा, मतलब कुछ मतलब ही नहीं दसन दा। सो ये फोटोसिंथेसिस दा प्रोसेस है ते फोटोसिंथेसिस दा प्रोसेस बहुत सिंपल दस्या होया है कि जिहड़ा प्लांट है इट विल टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट एंड देन लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन एंड द ग्लूकोज शुगर। ग्लूकोज शुगर थोड़ा फ्रूट्स हो गया एंड वेजिटेबल्स हो गया। मीन्स ये प्रोसेस तुसी बहुत सिंपल रखना है ते तुसी उसे वे नाल उन्हों डिफाइन करना है कि तुसी ईजली सारे पॉइंट्स बोल लो। तुसी डिस्क्राइब इमेज भी ध्यान रखना है कि जिथे थानू वर्ड्स टिपिकल लग रहे ने, जिथे थानू नहीं समझ आ रहा वो वर्ड्स नू तुसी अवॉइड करना है, बट इस इमेज के विच बहुत सारा कुछ ही सिंपल है। सो तुसी सारे पॉइंट्स नू डिस्क्राइब कर सकते हो। उस तो बाद भी जे थानू लग रहा है कि थानू डिस्क्राइब इमेज दे विच कोई प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ियां कुछ क्वेरीज ने या थानू कोई टैंपलेट चाहिए जिवें फ्लो चार्ट दा टैंपलेट हो गया या प्रोसेस दा टैंपलेट हो गया, मैप दा टैंपलेट हो गया, तां तुसी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स दे विच लिख सकते हो या मैनू मेल कर सकते हो amarptclasses@gmail.com ते, या फिर तुसी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट नू फॉलो कर सकते हो, उत्थे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन हैगा है। ते उस तो बाद भी जे थानू ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मैं अगे होर वीडियोस बना रही हूँ, मतलब पीटी दे सारे मॉड्यूल्स मैं कवर अप कर रही हूँ। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तुसी वीडियो स्टार्टिंग तो लैके एंड तक जरूर देखने हैं, कितने कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।